दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा 22,000 का धरना है 21 जून से अनवरत चालू है, और आप लोगों को पता होना चाहिए आज 2 अगस्त है और आज ये हमारे धरने का 43वां दिन है। हमारा धरना अनवरत चल रहा है और हम आपसे ये कहना चाहें कि हम लोग ये सीटें जुड़वा के ही रहेंगे। ये धरना तब तक ही चलता रहेगा जब तक सीटें जुड़ नहीं जाती हैं। आप लोग सोचते हैं शिक्षा मंत्री का बयान आया सीटें नहीं जुड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा मंत्री जी वो मुद्दे से भटकाना चाहते हैं कि सीटें नहीं जुड़ेंगी, लेकिन वो जो कहते हैं कि ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि जिससे हम सीटें जोड़ सकें, पिछली भर्ती की सीटें नई भर्ती में हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि जैसे मूल जीओ में साफ साफ लिखा था कि संशोधन नहीं होगा, तो आपने किस नियम के आधार पर संशोधन कर दिया? और जैसे कि उन्होंने 3 नंबर कॉमन कर दिए, आपने देखा होगा कि अधिकतर परीक्षाओं में 3 जो कॉमन नंबर दिए जाते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनको डिलीट किया जाता है, ना कि उनपे कॉमन नंबर दिए जाते हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने ये 3 नंबर कॉमन क्यों दिए? जैसा कि और भी है एक टॉपिक, ये अदर स्टेट वाला, उसमें लोगों ने मतलब अदर स्टेट का जो 5 साल का निवासी है उसी को मौका देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने सभी को एक तरफ से मौका दे दिया। ऐसा इन्होंने क्या क्यों किया? और इनको जियो की एक लाइन नहीं समझ में आती है जिसमें साफ साफ लिखा है कि विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो अब मैं शिक्षा मंत्री जी से ये सवाल करना चाहूँगा कि इससे ज्यादा विशेष परिस्थिति क्या बनेगी, जब 90-97 नंबर पाने वाला जॉब कर रहा है और जो कि 100, 110, 115 इतने नंबर जो पाए हैं वो लोग बाहर बैठ के धरना दे रहे हैं, तो क्या हम लोगों में योग्यता की कमी है? तो ये 22,000 सीट की आप मांग कर रहे हैं, तो 1,37,000 ये कौन सी बात है? सर, ये 1,37,000 का सिस्टम ये है कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन नष्ट रद्द हुआ था, उस समय 1,37,000 शिक्षा मित्र थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला कि इनको आप 2 भर्तियों में भरिएगा। तो सरकार ने इन शिक्षक पदों को 2 भर्तियों में निकाला, 68,500 और 69,000। 68,500 में क्या हुआ कि उसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, सरकार के मानक पे ज्यादा बच्चे नहीं पास हो पाए कटा पासिंग मार्क पे। उस समय लगभग 46,000 के आसपास बच्चों को नौकरी मिली, जिसमें लगभग 22,000 के आसपास पद खाली बचे। तो कैरी फॉरवर्ड करके इनको 69,000 में जोड़ना चाहिए था, लेकिन उस समय सरकार कोर्ट केस का हवाला देके उस समय ये पदों को जोड़ी नहीं। तो वही मांग है हमारी कि 22,000 पदों को 69,000 में जोड़े, और जो ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था कि 2 भर्तियों में इन सारे पदों को भरा जाए, तो 22,000 पदों को 69,000 में जोड़ के पूरे 1,37,000 पद पूरे किए जाए, ये मतलब है सर। तो आपको उम्मीद लग रही है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी?